जी जी नेंद्र टी 10 स्नैक्स बनाने जा रहे हैं। एक बार की मैदा है, इसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन डालकर इसको गूंध लेना है, रोटी के आटे जैसा गूंध लेना है। ये देखिए मैंने गूंध के रखा हुआ है, ऐसा गूंध लेना है। अभी ये गूंध लिया है, ये 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब उसे उस आटे की चार लोई बनाई है, चार लोई की ये चार रोटी बनाई। अब ये इस रोटी पर रख दिया है, मैदे का मोन लगा के ऐसे रख दिया है। फिर वापस ऐसे चार रोटी रखना है, वापस मोइन लगाना है। थोड़ा सा मैदा डालना है, वापस ये रखनी है। ऐसे चार रोटी ऊपर 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 मोइन लगा लगा के रखना है। अब इसको रोल बनाना। अब इसको छोटे छोटे पीस में कट कर देना, देखो ऐसे लेयर बन जाता है। ऐसे छोटे छोटे पीस में कट करके फिर लाइट का बैलेंस ऐसे बेल के ऐसे ऐसे बना के, अब ये लोई बना कट पीस में कट कर लिया है। अब ये देखिए लेयर बन गया। अब इस लेयर को धीरे से ऐसे पटना, जो चार रोटी बन ऊपर 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 मोइन लगा के रखा था उसको रोल बना दिया, रोल बना के कट किया लिया लोई है। इस लोई को अब धीरे धीरे ऐसे बटेंगे, बट कर ये तेल में डाल रहे हैं। ये ऐसे कांटे के हो उससे करें तो ये लेयर भी अच्छा बैठेगा। ये देखिए सीख गए हैं। आप चाहो तो प्लेन भी खा सकते हैं। ये पीसी हुई शक्कर है, उसमें ऐसे रखकर आप स्वीट भी बना सकते हैं ऐसे, और इलायची पाउडर डालकर अच्छा टेस्टी बनेगा। ये देखिए सीखने के बाद में पीसी हुई शक्कर ऊपर और इलायची डाल देना।